हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लेकर गए हैं आपके लिए एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिसके अंदर आपको लर्न करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको अर्न करने का भी मौका मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से है तो इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके आगे के एक्सपीरियंस के अंदर काम आएगा, आपकी की जो आप आगे जॉब करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आगे करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके रेज्यूमे के अंदर आपके पास एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये हमारा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से। ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, जहां पर आपको इंटर्नशिप करने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 रुपए पर मंथ का। और किसी भी स्ट्रीम के बच्चे, जैसे बीटेक हो, बीटेक के अंदर कोई भी स्ट्रीम हो, एमबीए, बीबीए, बीसीए, लॉ के बच्चे या किसी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास डिग्री है या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। यहाँ हमने लिंक भी दे रखा है इसके अंदर, ये लिंक यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर शो हो रहा है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस लिंक को दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको इसके अंदर अप्लाई करना है। जब आप गिवन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का पेज है, यहाँ पर आएगा हमारा इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप स्कीम के अंदर आकर के यहाँ पर ये नेम के अंदर हमें अपना नेम डाल देना है, जो भी हमारा नेम है। यहाँ पर हमें फादर नेम डालना है, यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है। एक यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद में नीचे हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी हमारा एड्रेस है। अपना एड्रेस फिल करने के बाद में हम नीचे आएंगे, हमको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर हमें अपना फोन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। और नीचे आने के बाद में हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि हमें इंजीनियरिंग के अंदर है, मैनेजमेंट में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, कंप्यूटर में, लाइब्रेरी में या फिर अदर के अंदर। तो जिसके अंदर भी हमारा इंटरेस्ट है, हम जिस भी फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं वो हम अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे पीरियड ऑफ इंटर्नशिप हमें सेलेक्ट करनी है कि हम कब से लेकर के कब तक इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसे हम मार्च से लेकर के, या अब हम आगे देखें हम जून के अंदर करना चाहते हैं या जुलाई के अंदर, अपनी डेट डाल देंगे, अपना ईयर डाल देंगे। और हमें कब तक करनी है, 2 महीने की करनी है, 3 महीने की करनी है, जितनी महीने की करनी है हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर डाल देना है अपना कि भाई हम इसके अंदर हम 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए करना चाहते हैं, 3 महीने के अंदर करना चाहते हैं। वो अब तो हमारे ऊपर है, जितना भी हम सेलेक्ट करेंगे उतने दिन के लिए हमारी वो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आने के बाद में हमें यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, यहाँ पे चूज करना है और चूज करने के बाद में अपना पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना है। और यहाँ पर फिर हमें चूज करके एक अपना रेज्यूमे बनाना है और रेज्यूमे बना करके डाल देना है। रेज्यूमे बना के डालेंगे उसके बाद में हमारा फॉर्म फिल हो जाता है, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तब हमारा एक पेज खुलेगा, तब हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। और इस पेज के अंदर हमारे हमें अपने हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन डालनी है कि हमने अपना हाई स्कूल का पास आउट करा है, या फिर नीचे हमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर अपने मार्क्स डालने हैं कि हमें 12th के अंदर मार्क्स कितने मिले थे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे, ये इंटरमीडिएट ईयर हमारा पूछ रहा है। अब इंटरमीडिएट ईयर के अंदर हमें अपना डालना है 10th के बाद 12th की अपनी डिटेल्स डालनी है। सारी डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पर हमको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, जैसे CBSE है या जो भी कुछ है, यहाँ पर हमने अपने मार्क्स कितने ऑब्टेन करे। और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की ईयर डाल देनी है, यानी कि हमने अपना जो ग्रेजुएशन अगर हम कर रहे हैं तो भी डाल सकते हैं, अगर हमारी पूरी हो चुकी है, हमारी डिग्री मिल चुकी है तो हम वो भी डाल सकते हैं। अगर हमारी अभी कंप्लीट होगी 2020 में या 23 में तो हम वो भी डाल सकते हैं, और अगर हम कर चुके हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, नंबर और अपने मार्क्स हमने कितने ऑब्टेन करे। उसके बाद में अगर ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूछ रहा है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हमने अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो फिर हम उसके लिए भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल डाल के वेरिफिकेशन में ओके करके हम सबमिट कर देंगे इसको। इसको वेरिफिकेशन में हम जब सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद हमारा एक ये नया पेज खुलेगा जिसके अंदर लिखा है इंटर्नशिप स्कीम, थैंक यू, वी विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरह से हम ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आज ही इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें और इसके अंदर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, लर्न करने के साथ साथ अर्न करने का मौका भी है। किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
लेक्स जुडिशरी को। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, हम आपको और इन्फॉर्मेशन आपकी कमेंट में भी दे देंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।